पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बीजेपी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। लोगों का पार्टी से मोह भंग हो गया है। लोकसभा चुनाव के दौरान सारे एग्जिट पोल फेल हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेगा। ये बातें मंगलवार को चक्कर के मिलक स्थित सपा के पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में सपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती ने पत्रकार वार्ता में कही है। वो यहाँ संविधान बचाओ यात्रा लेकर पहुँचे थे। 17 जनवरी से लखनऊ से शुरू की गई संविधान यात्रा का गाजियाबाद में 1 फरवरी को भव्य समापन किया जाएगा। राहुल भारती ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन बनकर तैयार हो चुका है। वर्तमान में भले ही साथ साथ नजर नहीं आ रहे हो, मगर सभी दल एक साथ हैं। समय आने पर महागठबंधन नजर आएगा। भारत के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को इंडिया गठबंधन हटाने का काम करेगा। पीडीए के द्वारा सपा परिवार का डेवलपमेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समाप्त करने वाली पार्टी सपा है। इस मौके पर सपा जिला अध्यक्ष डीपी यादव, सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन, महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी, बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम, पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी, ब्रजलाल जाटा, प्रेम बाबू वाल्मीकि, महेंद्र आदि लोग मौजूद हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ समाजवादी पीढ़ी यात्रा जो 17 तारीख को प्रदेश कार्यालय लखनऊ से चली थी, जिसे माननीय अखिलेश यादव जी ने झंडी दिखाकर रवाना किया, आज उसका पड़ाव मुरादाबाद में था। उसी के ये जो यात्रा है ये लगातार चलती रहेगी और 1 फरवरी को इसका गाजियाबाद में समापन होगा, जो एक भव्य कार्यक्रम के तहत समापन इसका गाजियाबाद में किया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर के ये यात्रा निकल रही है? आज भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम कर रही है, आज माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि जो नई सरकार आए देश के अंदर, जो बदलाव वाली सरकार आए, उसके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और उन अगड़े वर्ग के लोगों का जिन्हें आज़ाद भारत में उनकी हिस्सेदारी, स्वाभिमान, सम्मान नहीं मिल पाया, उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो, इस यात्रा का उद्देश्य यह है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।